देखिए, एंड गेट का जो लॉजिक होता है, सीधी सी बात पहले मैं बता दूंगा आपको कि अगर ए और बी, ठीक है ना, और का मतलब क्या हुआ, एंड ही हुआ। एंड गेट का नाम कैसे पड़ा, सीधी बात ये ध्यान रखिए, ए और बी ट्रू हैं तो आउटपुट यानी कि वाई ट्रू होगा। ट्रू का मतलब अगर वन कहते हो आप तो ये वन, मतलब कंडीशन ये है कि ए और बी दोनों को वन होना पड़ेगा तब जाकर के आउटपुट वन होगा, और इसी एंड की वजह से और हो की वजह से नाम इसका एंड गेट पड़ता है। जो लॉजिक है, लॉजिक गेट पढ़ा है ना हम, तो क्या लॉजिक है, तो लॉजिक ये है, ठीक है ना। लोग इसी चीज़ को सबसे पीछे छोड़ देते हैं, वो सीधे ध्यान रखते हैं, जिन्होंने थोड़ा पढ़ भी रखा होगा तो वो ध्यान दें, वो सीधे बस ये लाइन याद करेंगे वाई इक्वल टू ए इंटू बी बस, और उसी से ट्रुथ टेबल बना देंगे कि ए और बी, और फिर मल्टीप्लाई करके उसको वो कर दिया। ये बात अलग है, मल्टीप्लाई का रिजल्ट वही आ रहा है, लेकिन नहीं, ये लॉजिक चल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये ट्रुथ टेबल आपको उस तरह से नहीं बनानी है कि फॉर्मूला सोच के बनाया, आपको ट्रुथ टेबल जो है वो इस लॉजिक के बेस पे बनानी है। यही चीज़ मैं और गेट में भी क्लियर करना चाह रहा था, वही चीज़ मैं यहाँ पर फिर से बोल रहा हूँ। हाँ, तो उस केस में ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी, ए आपने इनपुट लिखा, बी आपने इनपुट दूसरा लिखा, आउटपुट ये वाई है, ठीक है ना। इसके ऊपर आप इनपुट करके हेडिंग डाल सकते हैं, इनपुट्स हैं हमारे, और ये आपका आउटपुट है। कॉम्बिनेशन दो दो गेट पिन का अगर है, ए और बी दो इनपुट हैं, तो 00 01 10 11 ये आपके जो हैं वो दो चार कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। इनके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसका नंबर कौन से पे आएगा, ये ऊपर आएगा 01 और 10 नीचे आएगा। देखिए, छोटी छोटी बातें हैं, डिटेल में डिस्कस करनी पड़ती हैं, ठीक है ना। इसीलिए क्लासेस देखा होगा आपने कि हमारी क्लास जो है वो थोड़ा सा स्लो चलती है। स्लो इसलिए चलती है क्योंकि हम कई सारी ऐसी चीज़ें भी डिस्कस करते हैं जिनको लोग वो छोड़ देते हैं कि हाँ ये कोई काम का नहीं है, काम उस बिना उसके काम चला लेंगे। लेकिन मुझे पता है कि मुझे आज इजी चीज़ बतानी पड़ रही, तो मुझे आज आगे चल के टफ़ चीज़ भी बतानी पड़ेगी, तो टफ़ चीज़ को भी मैं उतनी ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ जितना कि ये, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें साथ में लेके चलता हूँ कि कल को कोई ये ना कहे कि ये समझ में नहीं आया, ये पता नहीं कैसे समझा दिया इन्होंने। तो ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए, इसलिए छोटी छोटी बातों पे स्पेशल ध्यान रखना चाहिए, हर चीज़ वैल्यूएबल है। तो इसमें देखिए आप, जब दो ए और बी दोनों वन होंगे तभी जा करके वन होगा। तो देखिए, ए और बी दोनों वन क्या, यहाँ पे तो एक भी वन नहीं है। ए और बी दोनों वन है क्या, नहीं है, तो ये सब 0 0 होते जाएंगे। ए और बी दोनों वन है क्या, नहीं है। ए और बी दोनों वन है, हाँ यहाँ है, तो यहाँ पर आउटपुट आपका 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब वो अलग बात है कि 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 0 × 1 = 0, 1 × 0 = 0 और 1 × 1 1, वो बिल्कुल अच्छी तरह से सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप बनाने के लिए चाहे उससे भी बना लो, लेकिन आपको पहले ये भी तो तरीका पता होना चाहिए कि लॉजिक से कैसे बनती है ट्रुथ टेबल। किसी भी बुक में देखिएगा, लॉजिक समझाने के बाद सिंबल समझाते हैं और फिर ट्रुथ टेबल बना देते हैं, वो बूलियन एक्सप्रेशन वो बाद में बनाते हैं। तो यानी कि आपको उसकी मदद के बिना बनाना आना चाहिए यहाँ पे। तो ये एक्चुअली लॉजिक से तैयार हुई है, और अगर आप वो फॉर्मूला लगा के कर रहे हैं तो वो आपका तैयार हुआ है बूलियन एक्सप्रेशन से। हालांकि हम भी बाद में यही किया करेंगे कि मल्टीप्लाई करके सीधे कर दिया करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग लेवल पे आपको लॉजिक का पता होना चाहिए। पहली हेडिंग पड़ती है परिभाषा तथा लॉजिक, तो हेडिंग डाल दीजिए इन्वर्टेड कॉमास में लिखिए, एंड गेट वह गेट होता है जिसका आउटपुट तभी वन होता है जब उसके सभी इनपुट वन होते हैं। तो यहाँ से भी देख लीजिए, जब सारे इनपुट वन हैं, ए एंड बी नाम ही है, तो ए और बी वन होंगे तभी जाके आउटपुट वन आएगा, अदरवाइज जीरो होगा। तो इस लॉजिक के बेस पे अकेले ही सारे एकदम से सारी ट्रुथ टेबल ये सब लिख लीजिए पहले, और यही लॉजिक लगा के सीधे एकदम से ये लाइन आ जाएगी आपकी। नीचे लिख दीजिए, यह बेसिक गेट है फुल स्टॉप, इसे को इंसिडेंस गेट भी कहा जाता है। को इंसिडेंस का मतलब समझ रहे हैं, को इंसिडेंस साथ साथ दोनों घटनाएं अकर करेंगी वन वाली, तब जाके आउटपुट वन होगा। इसके बाद हेडिंग डाल दीजिए सिंबल, इसमें लिख दीजिए दो इनपुट वाले एंड गेट का सिंबल चित्र में प्रदर्शित है। और इसका जो डायग्राम सिंबल बनाएंगे आप, वो ध्यान रखिए इस तरह का होता है, ये ए बी और ये आउटपुट वाई है। जबकि और मैं बता दूं, यहाँ पे और हमने पढ़ा था, उसमें कर्व था, यहाँ भी कर्व था, यहाँ भी कर्व था, ये आपका और गेट था। मैं बता दूं ये सिंबल हैं बस, ऐसा नहीं है कि आप
सिलिकॉन लेकर के और इसी शेप में कर दोगे तो वो गेट बन जाएगा एंड या और, ये केवल एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, एक्चुअली इसके अंदर डायोड्स, ट्रांजिस्टर, इस तरह की चीज़ें ये सब लगती हैं। तो ये वाला तो खैर और गेट है, ये मत बनाइए, ये वाला एंड गेट। टू इनपुट है तो दो इनपुट लगा दिए हैं, आउटपुट वाई लगा दिया है। हेडिंग डालिए अब ट्रुथ टेबल, सत्यमान सारणी या सत्य तालिका, ये वाला ट्रुथ टेबल बना दीजिए। बना दिया है तो लिख लीजिए नीचे चित्र में दो इनपुट वाले एंड गेट की ट्रुथ टेबल प्रदर्शित है। ये डायग्राम हो गया, इसमें आपने दो इनपुट वाले एंड गेट की ट्रुथ टेबल प्रदर्शित की ये कर दिए। फुल स्टॉप। इसमें चारों संभव कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट है। अब नीचे लिखिए ट्रुथ टेबल से स्पष्ट है कि ए पार्ट, यदि ए इक्वल टू जीरो तथा बी इक्वल टू जीरो तो वाई इक्वल टू जीरो, मतलब आपको जबरदस्ती उसको इलेबोरेट करना है, ये है मतलब, यदि ए इक्वल टू जीरो तथा बी इक्वल टू जीरो तो वाई इक्वल टू जीरो, ये पहला है। बी पार्ट में अब आप इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी चार लाइन लिखो, बी सी डी बस डाल दो, फिर हम कंक्लूजन लिख लेते हैं। ठीक है, नीचे लिख लीजिए, इससे स्पष्ट है कि एंड गेट के आउटपुट पर लॉजिक वन तभी प्राप्त होगा जब एंड गेट के सभी इनपुट लॉजिक वन पर होंगे। वन तभी प्राप्त होगा जब सारे इनपुट्स वन पर होंगे। नेक्स्ट पैरा, दूसरे शब्दों में आप कोई ऐसे भी समझ सकता है कि अगर एक भी जीरो आ गया कहीं, दोनों आ गए तो बात ही अलग है, लेकिन एक भी जीरो अगर आ गया तो आउटपुट जीरो होगा, इस तरह से भी कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में यदि एक भी इनपुट लॉजिक जीरो पर होगा तो आउटपुट लॉजिक जीरो पर होगी। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए एंड ऑपरेशन एंड बूलियन एक्सप्रेशन फॉर एंड गेट। तो यहाँ पे जैसे बताया था मैंने, एंड ऑपरेशन को डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना, तो लिख लीजिए, तो एंड ऑपरेशन को डॉट से, देखिए ऐसे ऐसे डॉट बना दीजिएगा पहले और फिर ब्रैकेट में डॉट लिख दीजिएगा, ऐसे डॉट से, डॉट चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लिखिए यदि, नेक्स्ट पैरा में, यदि कैपिटल ए व कैपिटल बी दो इनपुट हैं और इनका एंड आउटपुट वाई है तो नीचे लिख दीजिए y इज इक्वल टू, कैसे लिखा जाएगा फिर, y इज इक्वल टू ए डॉट बी, इस तरह से बॉक्स में बंद कर दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए। हाँ, नीचे लिख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट को एंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। अब नीचे आप ये करके दिखा दीजिए कि जीरो डॉट जीरो इक्वल टू जीरो आया, आप चाहे मल्टीप्लाई से पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे पे दिखा दीजिए जीरो डॉट वन करके जीरो आया, थर्ड करके दिखा दीजिए वन डॉट जीरो इक्वल टू जीरो आया, मल्टीप्लाई हो रही सीधे एक तरह से, और फोर्थ में दिखा दीजिए वन डॉट वन करके वन वन का मल्टीप्लाई वन। यहाँ पे चारों पे लॉजिक मतलब जो ये बूलियन एक्सप्रेशन है बिल्कुल फिट बैठता है, बस एंड वाले में ही वो और वाले में ये था ऐड करना था ना, तो ऐड करने में तब तीन लाइनें तो सही हो जाती थी, चौथी लाइन में वन प्लस वन वहाँ पे जो है वो वन आता था, नहीं वन प्लस वन कितना आता था, वन कैरी वन जीरो वो ये सब होना चाहिए था ना, लेकिन वहाँ पे जो है वो वन आ जाता था। तो ये पढ़ा जाएगा मतलब जीरो ओ एंड जीरो, तो जीरो एंड वन जीरो हुआ, वन एंड जीरो जीरो हुआ, वन एंड वन वन हुआ, एंड मतलब वही मल्टीप्लाई। अब हेडिंग डाल दीजिए एंड गेट का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट। अब हम एक गेट पढ़ चुके हैं ना, तो अब उसी के सहारे हमारा ये गेट भी जो है वो आज देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा थोड़ा। अब इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट में देखिए क्या है सिचुएशन कि जीरो और जीरो, जीरो वन वन जीरो, इसको थोड़ा बना लें वन वन, तो इस हिसाब से जीरो 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 वन, यानी कि मेरा बल्ब कब जले, जबकि दोनों जो हैं वो क्लोज हों तो जाके बल्ब जले, और अगर एक भी की अगर क्लोज है तो बल्ब ना जले, एक खुली है एक बंद है तो बल्ब ना जले, ऐसा कुछ हमें हिसाब किताब बनाना है। तो ये हिसाब किताब तब बन पाएगा जब आप
सारी कीज़ जो हैं दोनों की दोनों सीरीज़ में लगा देंगे आप। ये ए है, ये बी है, ये वोल्टेज सोर्स हो गया, इधर हमारे पास बल्ब हो गया, और ये हमारा सर्किट हो गया, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया कि मतलब ये इस घटना को, ये जो ये लॉजिक है इसको इलेक्ट्रिकली हम डिनोट कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि इस तरह के कीज़ और बल्ब लगा के हमारा गेट वास्तव में बनता है, ना। वास्तव में गेट कैसे बनता है, वो डायोड और ट्रांजिस्टर वगैरह के बेसिस पे बनता है, वो चीज़ आपके पास बाद में आएगी। हम इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट का मतलब है इलेक्ट्रिकली कैसे हम उसको समझा सकते हैं, ये है मतलब। क्योंकि डायोड ट्रांजिस्टर एकदम से समझाने पे वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वो दिमाग के ऊपर से जाने लगता है बच्चों के, तो इसलिए थोड़ा सा बताया गया है कि इससे भी थोड़ा आप उस कंसेप्ट को समझ लें, पहले प्रिपेयर हो जाएं, ठीक है ना, पहले से थोड़ा सा आपकी नॉलेज इंक्रीज़ हो जाए ताकि बाद में जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं वो मैनेज कर पाएँ आप। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहला वाला देखिए 0 0। अब केस जैसे मैंने पिछले वाले में बताया था केस फर्स्ट, तो उसमें आप क्या करोगे, एक डायग्राम बनाओगे जिसमें कि व्हेन ए इक्वल टू 0 है ना और बी इक्वल टू 0, अर्थात ये की और ये की जो दोनों हैं वो ओपन हैं, तो ये ओपन है तो ये देखिए सर्किट करंट नहीं बहेगी, करंट नहीं बहेगी, और करंट नहीं बहेगी तो बल्ब जो है वो नॉट ग्लो, तो बल्ब विल नॉट ग्लो यानी कि नहीं जल रहा है, तो इसका मतलब उस डायग्राम में आप कुछ रेज वगैरह नहीं बनाएंगे और आउटपुट आपका 0 आ जाएगा, तो 0 और 0 पे 0 आ रहा है। इसके बाद अगर आपने दूसरी वाली की को अगर क्लोज भी कर दिया तो देखिए पहली वाली खुली हुई है, सर्किट हमारा कंप्लीट नहीं होता, करंट नहीं बहेगी और आउटपुट 0 आ जाएगा, बल्ब नहीं जलेगा। इसके बाद अगर मान लिया सपोज करिए पहली वाली की को क्लोज कर दिया लेकिन दूसरी खोल दी आपने, तीसरा वाला लाइन ले रहा हूँ, तो उस केस में देखिए सर्किट अभी भी डिस्कनेक्ट है और डिस्कनेक्ट होने की वजह से करंट नहीं बहेगी और इसका मतलब बल्ब बुझा रहेगा, यानी कि आंसर आपका 0 आ जाएगा। चौथा जब डायग्राम केस डिस्कस करेंगे और डायग्राम बनाएंगे जिसमें दोनों की क्लोज कर देंगे, अब हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो अब सर्किट कंप्लीट होने पर क्या होगा कि अब जो है सर्किट में करंट बनेगी और करंट बनने की वजह से होगा क्या कि बल्ब जो है ग्लो करेगा, बल्ब ग्लो करने का मतलब है आपका 1 आएगा आउटपुट और ये 1 आउटपुट देखिए यहाँ पे आ रहा है। तो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मतलब एक तरह से हुआ है, वो उसमें है कुछ नहीं, आप इसको बिल्कुल नॉर्मल लीजिए, आप बस ये ध्यान रखिए कि एंड जो मेरे को सिचुएशन लानी उसके हिसाब से कीज़ कैसे लगाई जाएंगी। और गेट का यहाँ पे क्या था, और गेट में था 0 0 और 0 1 1 0 1 1 और इसमें 0 आता था 1 1 1, यानी कि मेरा एक भी की ओपन हो जाए मतलब क्लोज हो जाए तो मेरा बल्ब जल जाए, तो एक भी की ओपन हो जाए तो आपने पैरेलल में लगा दिया। यहाँ पे दोनों की ओपन करने पर, दोनों की क्लोज करने पर जो है वो आपका बल्ब जले, तो आपने दोनों को सीरीज़ में लगा दिया है, तो दोनों ही जब होंगी तब जाकर डिसकनेक्ट सर्किट कनेक्ट हो पाएगा। मुझे बताएं ये कंप्लीट कर लेंगे आप, ठीक है। अब हेडिंग डाल दीजिए लास्ट, इसका पार्ट आता है 3 इनपुट AND गेट। तो 3 इनपुट का सिंबल क्या होगा, आउटपुट तो एक ही रहेगा लेकिन इनपुट क्या हो जाएंगे, 3 इनपुट हो जाएंगे ABC, Y = इधर A डॉट, एंड को डॉट से करते हैं ना, AB डॉट B डॉट C। इसके नोट्स प्रॉपर बना लीजिए, जब मैं नोट्स बनवाता हूँ तो लिखते रहा करिए, जिसको चीज़ को मैं कह देता हूँ कि बाद में लिख लेना लिख लिया करिए, लिखने से ही आपके दिमाग में आएगा, वीडियो चाहे जितने देख डालेंगे आपको आ तो जाएगा लेकिन जब लिखने को बैठेंगे पेपर में तो फिर हाथ कांपने लगेंगे। उसका एकमात्र यही तरीका है कि आप लिख लिख करके उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। इसका कोई तोड़ नहीं, कोई मशीन नहीं ईजाद हुई है इस तरह की कि आप वीडियो देख के सब याद कर लें, उससे नॉलेज गेन कर सकते हैं लेकिन अगर आपको उस नॉलेज को एक्सप्रेस करने के लिए बोल दिया जाएगा तो प्रॉब्लम आएगी। अच्छा देखिए इसकी ट्रुथ टेबल अगर हम बनाएंगे तो देखिए इनपुट्स जो हैं आपकी बार यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं, थोड़ा बड़ा चौड़ा बना दो, इनपुट्स A B और C यहाँ से बंद करिए और आउटपुट तो एक ही रहेगा Y, ठीक है ना। अब ये ट्रुथ टेबल बना दी जाएगी, तो देखिए 0 0 0 0 0 1 0 1 0, 1 0 1 2 3 के लिए क्या करोगे आप, वो लिख लो 4 2 1 है ना, 3 के लिए क्या करोगे 1 1 0, 4 के लिए क्या करोगे केवल यहाँ पे फिट कर दोगे, 5 के लिए 4 और 1 5 तो 1 1 0, 6 के लिए 4 2 6 यानी कि 1 1 0, 7 के लिए 4 2 6 1 7 सब आ जाएंगे। देखो जरा सी देर में ही लिख जाता है पूरा, कोई इसमें वो बात है ही नहीं। अभी अभी कंप्लीट करता हूँ मैं, पहले आप लिख लीजिए थोड़ा सा ऊपर लैंग्वेज लिख लीजिए, चित्र में तीन इनपुट वाले एंड गेट का संकेत तथा ट्रुथ टेबल प्रदर्शित है। अच्छा देखिए एंड गेट का अब लॉजिक बनाइए,
तो लॉजिक यही है कि जब सारे इनपुट वन होंगे तभी आउटपुट वन आएगा। इससे आप पकड़िए बात को, जी नीचे तक दिख रहा है क्या? हाँ, जब सारे इनपुट वन होंगे तभी आउटपुट वन आएगा, बाकी नहीं तो ज़ीरो आएगा। आप देखिए स्टार्टिंग की लैंग्वेज में हमने ये लिखा भी था इस तरह की लाइन, कि दूसरे शब्दों में है ना, कि सारे तभी वन आएगा जब सारे इनपुट वन हों। एंड का मतलब ये, जब और सब वन हो तभी वन होगा, अदरवाइज ज़ीरो। तो बाकी सब जगह आप आँख बंद करके ज़ीरो लिख दीजिए। अगर मल्टीप्लाई वाले से भी देखिए वो भी फिट बैठेगा, ज़ीरो 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 की मल्टीप्लाई ज़ीरो, एक भी ज़ीरो है तो ज़ीरो रहेगा, सारे अब कोई ज़ीरो नहीं है तभी जा करके आउटपुट वन आएगा। ये भी लैंग्वेज हमने लिखी थी अभी देखिए थोड़ी देर पहले, कि एक भी ज़ीरो हुआ तो आउटपुट आपका ज़ीरो हो जाएगा। किसी भी तरह से दाएं से बाएं से तीन चार तरीकों से आप देखेंगे वही चीज़ रिजल्ट निकल के आएगा।